गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मंडे का दिन है आज और सुबह के करीब बज रहे हैं 7। मौसम थोड़ा सा ठीक लगा तो मैंने सोचा चलो चार पांच चक्कर लगा लेती हूँ छत के। वैसे तो मैं कोई मॉर्निंग पर्सन नहीं हूँ और ना ही मुझे घूमने की आदत है, बट आज थोड़ा सा मौसम सही था तो थोड़ा सा मैंने टहल लिया ऐसे ही। क्या बेटा? सो बस नहा धोकर किचन में आ गए हैं। अप्पे बन रहे हैं यहाँ पर। अप्पे की हो रही है आज हमारे यहाँ पर पार्टी। स्पेशल डिमांड थी कुछ लोगों की, किसकी थी वो आगे पता चल जाएगा आपको। तो बस साथ में ना खाना भी बना रही हूँ क्योंकि टाइम तो हो ही गया है। तो खाने में बन रही है करी चावल वगैरह, तो कड़ी में टाइम लगता है। क्या बना रहे हो आप भाभी? अप्पे बना रही हूँ आप लोगों के लिए। अच्छा, सेवा हमारी? सेवा कर रही हूँ। से हाय। उसके बाद मैं आ गई थी छत पर सबसे ज़रूरी काम करने। आज मंडे है तो शिव जी को मैंने मतलब नए वाले मूर्ति शिव जी की बनाई है, मिट्टी से जो बनाती हूँ एवरी मंडे। और उसके बाद उसका अच्छे से पूजा अभिषेक वगैरह किया है। दूध वगैरह आ गया था हमारा कच्चा, तो वो भी ले लिया। अच्छे से पूजन वगैरह करने के बाद मैंने छोटा सा एक क्लिप रिकॉर्ड किया आप सबके लिए। सो भाई वानू ने आटा लगा दिया था तो हमारी रोटियां भी बन गई हैं। मतलब मेरा सारा काम कंप्लीट हो गया है। तो मैंने किचन भी क्लीन कर दी। ये जो किचन में जो गैस के सामने वाले टाइल्स होते हैं ना, उनको अधिकतर मैं यही कोशिश करती हूँ कि तुरंत के तुरंत साफ़ कर दूँ। 2 मिनट का टाइम लगता है, लेकिन अगर छोड़ देते हैं उन्हें 2-3 दिनों के इकट्ठे साफ़ करने के लिए तो चिकनाई इतनी चिपक जाती है ना कि फिर टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है। तो कोशिश यही करती हूँ कि फटाफट जब स्लैब वगैरह साफ़ करते हैं ना तो साथ में एक पोछा उस पर भी लगा दो तो क्लीन अच्छे से हो भी जाता है, क्योंकि उस वक्त वो गीला रहता है जो भी खाना वगैरह चिपका होता है ना। तो वही सब चीज़ें हम लोग तड़का वगैरह लगाते हैं तो ऑयल वगैरह भी, कई सारी चीज़ें हैं जो टाइल्स पर चिपक जाती हैं, पता नहीं चलती और गंदी होती रहती हैं। सो यहाँ सारे काम कंप्लीट हो गए हैं और गर्मी का लेवल इतना ज़्यादा हो चुका है ना कि किचन में जितनी देर रहो उतनी देर इतना चिपचिप हो जाता है। लंच ले आई हूँ मैं यहाँ पर, और जो करी बनाई थी ना वो इतनी ज़्यादा खट्टी हो गई है, मतलब मम्मी जी ने खाया ना तो उन्होंने बताया, तो इस वजह से फिर मैंने ना आलू की सब्ज़ी भी बनाई है, क्योंकि हमारे जो पापा जी हैं ना वो बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं खाते हैं ना, इसलिए तो मैंने जल्दी से आलू की सब्ज़ी बना दी कुकर में। अरे वानू को खाना खिला रही हूँ, बैठ जाओ खाना और खाना लो। सोते नहीं पहले खाते हैं। खाना खाने के बाद दिखाऊंगी मैं हमारे रूम का एक और नया मेहमान, मतलब जो एक और नई चीज़ आई है ना, वो बहुत मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई उस चीज़ को देख के। दिखाऊंगी मैं, पीछे रोशनी भी आ रही होगी उसकी। सो फ्रेंड्स, रूम में जो मेरे एक और नई चीज़ है ना वो दिखाती हूँ आपको, और वो है ये रिंग लाइट। ये एक्चुअली ना कोविड के टाइम पर जब मेरे हस्बैंड ने जूम पर क्लासेस ली थी ना, ऑनलाइन क्लासेस, तब परचेज़ की होगी उन्होंने, पर मुझे कोई जानकारी नहीं थी इसके बारे में। बट अब हमें शिफ्ट करना है तो कोचिंग वगैरह से सामान सब हटा दिया है ना, तो ये वो लेकर के आए कल और मुझसे बोलते हैं कि तुम्हारे लिए गिफ्ट है। और इसको देखकर ना मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई, मतलब इतना ज़्यादा खुश तो ना मुझे साड़ी भी मिलती ना तो उससे भी नहीं होती, क्योंकि आप सबको पता होगा जो वीडियो क्रिएटर होते हैं उनके लिए ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, जैसे कि रिंग लाइट, कैमरा, माइक या कुछ भी ऐसी चीज़ें जिससे वीडियो क्वालिटी इम्प्रूव हो सके। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई इसको देख करके, मैंने कहा अरे वाह। और 1 साल से ना उनकी कोचिंग पर ही ऐसी रखी हुई थी,
तो मैंने बोला कि एक साल पहले ले आते। वैसे मैं तो ब्लॉग बनाती हूँ तो इतना ज़्यादा यूज़ तो नहीं होगा, बट फिर भी रील्स वगैरह में कर सकते हैं, या कुछ अगर कोई चीज़ आपके साथ बैठ करके शो कर रही हूँ तो उसमें कर सकते हैं। हमारी वन्या आजकल बहुत इंजॉय कर रही है, मैं ना यहाँ पर कैमरा लगा देती हूँ तो ना खड़े होकर के, वैसे तो खड़े नहीं हो पाती है, बट ये अपना स्लाइडर खिसका के उसके ऊपर खड़े होकर ना रील्स बनाती है। तो बस ये ना कुछ इस तरह से यहाँ से स्टार्ट हो जाती है, स्विच ऑन नहीं है, इसमें तीन चार स्विच लगे हुए हैं तो उनसे ऑन हो जाती है इस तरह से। देखिए मेरे फेस पर कितना लाइट दिख रही है ना, और यहाँ कैमरा सेट हो जाता है, सबको मालूम ही होगा। और बस इसमें रिवर्स लाइट मतलब चेंज भी हो जाती है दो तीन, एक तो एकदम वाइट है, एक थोड़ा ब्लूइश है और एक येल्लोइश है, ये येल्लोइश है, तो दो तीन लाइट चेंज हो जाती है, तो बस चेंज करते रहिए। और वो भी बढ़ना और कम होना भी हो जाता है कि कितना लाइट चाहिए रिफ्लेक्शन, तो बस एकदम बढ़िया बढ़िया है। तो बस मेरे रूम में एक और ये नई चीज़ रख गई है जिसको देखकर मुझे बड़ी खुशी हो रही है। आगे कभी वीडियोस में इसका यूज़ करूँगी ना तब आपको पता चलेगा, अदरवाइज़ हम मैं और वान्या जब इंस्टा रील्स वगैरह बनाएंगे तो उसके लिए यूज़ करेंगे इसको। तो मुझे अच्छा लगा बहुत इसको देखकर, जब वो लेकर के आए थे बड़ी खुशी हुई थी। पता नहीं शायद मेरे हस्बैंड ने इसे 700 के आसपास लिया है, ऑनलाइन लिया है या यहीं से परचेज़ किया है, मुझे कोई जानकारी नहीं है, मुझे पता भी नहीं था इसके बारे में। तो बस और थोड़े बहुत काम धीरे धीरे निपटाने का सोच रही हूँ, मुझे बहुत सारे कपड़े वगैरह जो है ना अपने हस्बैंड के वो प्रेस करना है, रखना है, क्योंकि ना आज 6 तारीख हो गई है और 9 तारीख को उनको जाना है, 10 से ज्वाइन करना है, और हम लोग शायद अभी नहीं जाएंगे, मतलब मैं और वान्या हम लोग जाएंगे नेक्स्ट वीक में, नेक्स्ट नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक में, क्योंकि ना हमारी फैमिली में ना एक दो फंक्शंस हैं अभी जो अटेंड करना बहुत ज़रूरी है, उनको स्किप नहीं कर सकते, और अगर हम अभी चले जाते हैं तो हमारा आना बार बार होगा, और मेरा ना अभी इतना ज़्यादा ट्रैवल बार बार आना पॉसिबल नहीं है, इसलिए अभी मैं यहाँ रहूँगी, फंक्शंस वगैरह हम अटेंड करके फिर सीधे ही जाएंगे। वानू आप इसके सामने खड़े होकर रील्स कैसे बनाते हैं बताओ, हमारी वानू को तो सब पता है कैसे उसको, ये फर्स्ट वाला ऑन करो, फर्स्ट वाला सबसे फर्स्ट जिसमें लाइट जल रही है, दबाओ प्रेस करो, ऊपर ऊपर वाला प्रेस करो, छोड़ो, बस चलो कैसे बनाते हो बताओ, इस पे खड़े होके मानू ये बताओ आपके रील्स कैसे बनाते हो, बनाऊंगा। ये ऐसे खड़ी हो जाती है स्लाइडर पे, मैं यहाँ कैमरा लगा देती हूँ और मानू वाला डांस करती है, कैसे कैसा लग रहा है, हाँ? कैसा लगता है ये, अच्छा मजा आता है इसके सामने, हाँ। वीडियो बनाओ इसमें, अच्छा इसमें वीडियो बनाओ, वीडियो बनाना शूटा मतलब यहाँ कैमरा लगा दूँ, हाँ। अभी नहीं, अभी तो अपन को बहुत सारा काम करना है, अभी तो एक काम करते हैं इसको बंद कर देते हैं, मुझे मारने के लिए हाथ दिखा रही है वहां से ऐसे ऐसे। तो फ्रेंड्स इस ब्लॉग को मैं एंड कर रही हूँ यहीं पर, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में बहुत जल्दी, क्योंकि जल्दी जल्दी सारे काम वगैरह करने हैं, आज बहुत सारे काम है हाँ, और वानू को वीडियो बनाना है इसलिए इसको कैमरा लगा के दे देती हूँ, थोड़ा डांस वांस करेगी थोड़ा। और मैं मिलूंगी आप सभी से नेक्स्ट व्लॉग में बहुत ही जल्दी, तो बस तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।